नमस्कार दोस्तों, आज आउट ऑफ सिलेबस के इस वीडियो में दो ऐसे बंगालियों के बारे में जानेंगे जिनके अद्भुत कारनामे ब्रिटिश राज के दौरान कोलकाता शहर और पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली हुई थी। बड़े बड़े शहर के बिल्डिंग से लेकर कोलकाता का सबसे पहला कैंटिलीवर ब्रिज, यहाँ तक कि विक्टोरिया मेमोरियल में भी इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके अलावा फेमस मार्टिन बर्न कंपनी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक पार्ट इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी या बर्नपुर IISCO का निर्माण में भी इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये है सर राजन मुखर्जी और उनके बेटे सर बीरेन मुखर्जी की कहानी, जिनके कारनामे कोलकाता, बंगाल और पूरे भारत में मौजूद है। तो आइए जान लेते हैं इन दो हस्तियों के बारे में। June 3, 1854 में कोलकाता के पास मौजूद बाराशात के भाबला नाम के एक छोटे से गांव में राजेंद्रनाथ मुखर्जी का जन्म हुआ था। सिर्फ 6 साल के उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके माताजी ने उनको संभाला। दूसरे किसी साधारण स्टूडेंट के जैसे ही उनका स्कूलिंग शुरू हुआ था, लेकिन छोटे उम्र से ही उनके अंदर इंजीनियरिंग के नाजुक विज्ञान को जानने का इच्छा थी। खास करके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग को लेकर उनके अंदर कई सवाल आता था। बिल्डिंग को लेकर उस क्यूरियोसिटी बाद में उनको इंजीनियरिंग पढ़ने में मदद की थी। उस वक्त कोलकाता में इंजीनियरिंग पढ़ने का एक लौता इंस्टीट्यूशन था प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो वहीं पे राजन मुखर्जी इंजीनियरिंग में भर्ती हो गए। लेकिन आखिरी वर्ष में आकर उनका तबीयत बिगड़ने के कारण वो फाइनल एग्जाम्स में बैठ नहीं पाए। उनके इस नाकामयाब होने के बावजूद उनको नौकरी करने का ऑफर मिला था, लेकिन किसी के गुलाम बनके वो काम नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए वो सारे ऑफर्स ठुकरा दिए। लेकिन उनके डिटर्मिनेशन और असाधारण अंग्रेजी बोलने का टैलेंट और कैपेबिलिटी से उस वक्त का कलकत्ता कॉरपोरेशन का चीफ इंजीनियर से पौलता वाटरवर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिए थे। यहीं से शुरू हुआ था उनके इतिहास रचने का काम। इसके बाद आगरा, अलाहाबाद, बनारस और भी कई सारे बड़े शहर का वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ आने लगा। इस तरह सर राजन मुखर्जी के साथ मुलाकात हुआ उस वक्त का ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट सर थॉमस अक्विन मार्टिन के साथ, और 1890 में इन दोनों के पार्टनरशिप से शुरू हुआ मार्टिन एंड कंपनी, जो बाद में जाके मार्टिन बर्न कंपनी के नाम से फेमस हुआ था। मार्टिन एंड कंपनी के साथ रह के सर राजन मुखर्जी कोलकाता और इंडिया में कई सारे काम किए थे, जैसे त्रिपुरा, अहमदाबाद, लखनऊ में वाटर सप्लाई का काम और पोलता से कोलकाता में वाटर सप्लाई का काम। इसके अलावा मार्टिन एंड कंपनी फेमस हुई थी इमारत बनाने के लिए, जैसे कोलकाता का एस्प्लैनेड मैंशन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बिल्डिंग, गार्डन रिच में साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, टीपू सुल्तान मस्जिद, पटना सेक्रेटेरिएट, उज्जैन पैलेस, मैसूर मेमोरियल जैसे कई सारे काम को अंजाम दी गई थी। 1904 में मार्टिन एंड कंपनी और सर राजन मुखर्जी के पास आया उस वक्त का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट विक्टोरिया मेमोरियल का काम, जिसका आर्किटेक्ट था विलियम एमर्सन। 1920 में विक्टोरिया का काम खत्म हुआ और इस असाधारण काम को अंजाम देने के लिए सर राजन मुखर्जी को 1922 में नाइटहुड दिया गया, और इसके बाद उनके हाथ आया हावड़ा ब्रिज का प्रोजेक्ट। सर राजन मुखर्जी के लीडरशिप में तैयार हुआ मुखर्जी कमेटी, जिसमें वो स्वयं और उनके साथ उस वक्त के कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन सर क्लेमेंट हिंडले और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के चीफ इंजीनियर मिस्टर मैग्लशन एक साथ मिलके हावड़ा ब्रिज का डिजाइन को तैयार किया, जो 26,500 टन स्टील से बनाया गया एक हिस्टोरिकल कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसको रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। 1927 में अलेक्जेंडर बर्न के द्वारा निर्मित फेमस बिल्डिंग निर्माण संस्था बर्न एंड कंपनी को खरीद के बाद में मार्टिन एंड कंपनी और बर्न एंड कंपनी को मिलाकर नया नाम हुआ मार्टिन बर्न कंपनी। इस मार्टिन बर्न कंपनी के समय पे कोलकाता में सेंट जेवियर्स कॉलेज, ओरिएंटल सेमिनरी, बेलूर मठ, लेजिस्लेटिव असेंबली, ग्रैंड होटल, यूनाइटेड बैंक बिल्डिंग, यहाँ तक कि ईडन गार्डन का क्लब हाउस भी तैयार किया गया था। 1936 में सर राजन मुखर्जी गुजर गए और उनके बाद समय आया उनके बेटे बीरेन मुखर्जी का। 1899 में बीरेंद्रनाथ मुखर्जी का जन्म हुआ था। बिशप कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई खत्म करके शिवपुर बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर हायर स्टडीज के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भर्ती हुए थे। 1924 में देश लौटकर पिता के कंपनी से ही अपने कैरियर का शुरुआत हुआ था।
और राजन मुखर्जी के मृत्यु के बाद मार्टिन बर्न कंपनी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर बीरेन मुखर्जी के कंधे पे था। 1937 में तैयार हुआ स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, जहां पे चेयरमैन के तौर पे सर बीरेन मुखर्जी अपॉइंटेड थे। उनके सहायता से तैयार हुआ था बंगाल का पहला स्टील प्लांट, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी IISCO बर्नपुर। 1942 में पिता के तरह सर बीरेन मुखर्जी को भी नाइटहुड सम्मान मिला था। उनके डिटर्मिनेशन से 1953 में IISCO को वर्ल्ड बैंक से 15 करोड़ रुपए लोन का अप्रूवल मिला था, और IISCO उस वक्त का एक लौता प्राइवेट कंपनी था जिसको वर्ल्ड बैंक के तरह कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन दी गई थी। 1953 में IISCO 3.5 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन से शुरुआत करके 10 साल के अंदर 1963 में साल भर 10 लाख टन से भी ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन हुई थी, लेकिन 1972 में जाके IISCO को सरकार के तरफ से सेंट्रलाइज्ड कर दी गई। इन सब कामों के अलावा भी सर बीरेन मुखर्जी 1940 में द शेरिफ ऑफ कैलकटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कैलकटा बोर्ड का प्रेसिडेंट भी रहे थे, जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा कैलकटा यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग फैकल्टी मेंबर, शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बॉडी और खड़गपुर IIT का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स भी रहे थे। 1982 में सर बीरेन मुखर्जी का दुखद मृत्यु हुई, और अभी मार्टिन बर्न लिमिटेड का ओनरशिप है फतेहपुरिया फैमिली के पास, जहां पे केदारनाथ फतेहपुरिया इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे वीडियो को बंगाली वर्जन में देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जरूर चेक कीजिए। वीडियो को लेकर या चैनल को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।